बात करते हैं उस तकनीकी खराबी की जिसने दुनिया के तमाम हवाई जहाजों को हवा में जाने से रोक दिया। एटीएम ठप पड़ गए, बैंक स्टॉक मार्केट तो प्रभावित हुए ही, ब्रिटेन में टीवी चैनल भी बंद हो गए। भारत सहित दुनिया के कई देशों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। देखिए आखिर हुआ क्या। एयरपोर्ट पर इंतजार करते यात्री, डिस्प्ले पैनल पर किसी भी फ्लाइट की टेक ऑफ का समय तय नहीं। यह स्थिति सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया भर में ऐसी स्थिति देखने को मिली। भारत में 5 एयरलाइन इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है और एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि ऐसा इसलिए है कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस डाउन है। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है और डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें और हम सभी लोग डीजीसीए हो, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल एंटीवायरस क्लाउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत गई और इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर भी असर पड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, जबकि 3,000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है कि अभी देखिए कैंसिल का मैसेज आ गया, तो उसके अलावा इनको लोगों को दूसरा सुविधा भी रखना चाहिए कि हाँ जिस जो बाहर से आए लोग आए हुए हैं उनको अगर जाने है तो दूसरा फ्लाइट उनको करके देखनी चाहिए, तो बड़ा ऐसा कोई अपडेट नहीं मिल रहा। यही अभी हमारा ही फ्लाइट था, वो जो हमारे साथ ही है, ये हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी कुछ बताया गया तकनीकी वही टेक्निकल इशू, उनको क्या उनको कोई दिक्कत नहीं होती, टेक्निकल इशू हम सॉरी बोल के आप साइड हो जाते हो, दिक्कत तो हमारे को होती है। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसके उनके सिस्टम्स रिस्टार्ट या शटडाउन हो गए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि यह समस्या हालिया क्लाउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। क्लाउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्लाउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, ये एप्लीकेशन और सर्विसेज को बनाने, डिप्लॉय और मैनेज करने का काम करता है। वही माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन नोट जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं। The people, because most of the people wanted to know whether the airlines or the flight in the air is safe, absolutely safe. It has nothing to do with this cloud computing because those are different satellite systems which are communicating to the aircraft directly and have to do nothing with the cloud computing. The second aspect, how is that affected the airlines and other services across the world? It's basically the back-end services, which is customer services, which is ticketing and logistics and booking and transportation and other logistics, which is getting affected. माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में खराबी का असर पटना एयरपोर्ट पर भी दिखा और यात्री परेशान दिखे। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो दिक्कत हुई है, तकनीकी दिक्कत से जो है सर्वर डाउन हो गया, क्रैश हो चुका है, यात्रियों को दिक्कत हो रही है। देखिए एयरलाइंस कंपनी के भी तरफ से जो दिक्कत हो रही है उसको लेकर देखिए जो कैंसिल ट्रेन है, कैंसिल प्लेन्स है, जो 3 प्लेन आज की डेट में जो है कैंसिल करनी पड़ी है। आप देख सकते हैं पटना टू नई दिल्ली, पटना टू बॉम्बे, पटना टू CCU जो है ये कैंसिल है, तीनों प्लेन को जो है ये रद्द कर दिया गया। यात्री भी जो है इस पर अपडेट ले रहे हैं और गाड़ी है मैनुअल जानकारी दी जा रही है और कैंसिल्स प्लेन की भी जो है सूची यात्रियों को देने को लेकर जो है यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया। 3 प्लेन इंडिगो की तरफ से जो है कैंसिल कर दिए गए, साथ ही अन्य जो प्राइवेट जो प्लेन है उनके तरफ से भी जो है यात्रियों को ये जानकारी जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको दी जा रही है और यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। कोई अल्टरनेट प्लेन नहीं मिलने से जो है उन्हें दिक्कत हो रही है, मगर कुछ जो है प्लेन्स को जो है अब मैनुअल ऑपरेट करने की सेवा जो है वो शुरू की गई है ताकि जो है यात्रियों को जो परेशानी हो रहा है उससे उन्हें कुछ राहत मिल जाए। क्योंकि कह सकते हैं कि एक तकनीकी खराबी ने दुनिया की रफ्तार रोक दी। हालांकि साइबर सुरक्षा फर्म
क्राउड स्ट्राइक ने साफ किया कि जिस वजह से समस्या हुई वो कोई सुरक्षा घटना या साइबर हमला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।